प्रत्येक व्यक्ति जीवन के विभिन्न कालावधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है या जो काम करता है उसी को उसकी आजीविका कहते हैं, और इसी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी समाप्त करना एवं आजीविका के विभिन्न स्रोतों को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाकर उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाया जा रहा है। गरीब ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से जोड़ा जा रहा है। आज के बदलते दौर में नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा चयनित मॉडल विकास खंड सेवापुरी, जनपद वाराणसी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं ने भी अपने कदम वित्तीय साक्षरता की ओर बढ़ा दिए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत हमारे जनपद वाराणसी में करीब 1,00,000 दीदियों को जोड़ा गया है, जिसमें उनके समूह में हमारे बचत के साथ साथ उनको कहते हैं RF CIF की धनराशि दी जाती है। समूह से हमारे ग्राम संगठन से CLF, और उनको आगे प्रमोट करने के लिए हमारे बीमम और समूह सखी, बैंक सखी और हमारे BC सखी इत्यादि दीदियों को लगाया गया है। मिशन के वित्तीय समावेशन में महिलाओं को सरकार के विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया, बैंकिंग गतिविधियों के प्रति उन्हें जागरूक किया गया, फलस्वरूप में ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। नीति आयोग अंतर्गत चयनित विकास खंड सेवापुरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में वित्तीय समावेशन पे हम लोग 3 कैडरों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। वित्तीय साक्षरता के लिए FLCRP के माध्यम से गांव स्तर पे हम लोग समूह की दीदियों को उनके आय व्यय के विवरण, बैंकिंग सुविधाएं, बैंकिंग प्रोडक्ट्स, खाता खुलवाने के लाभ, बीमा आदि के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही हम लोग जो बैंकिंग सखी हैं, बैंकिंग सखी के माध्यम से 1GP 1BC कार्यक्रम के अंतर्गत हर ग्राम स्तर पर एक बैंक सखी दे रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के वित्तीय समावेशन में 3 कैडरों के माध्यम से कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। FLCRP यानी फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन स्वयं प्रशिक्षित होकर समूह की अन्य महिलाओं को खेल के माध्यम से जागरूक कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं को लूडो खेल के जरिए वित्तीय प्रबंधन जैसे आय व्यय विवरण, गैर जरूरी खर्चे, जरूरी खर्चे, बचत बैंक खाता खोलने के लाभ, आधार सीडिंग के लाभ, बीमा पेंशन, ऋण का सदुपयोग और समय से ऋण वापसी किए जाने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं को देखिए, मैं वित्तीय साक्षरता के विषय में बताती हूँ और बचत के बारे में, बीमा के बारे में और जैसे रोजगार के विषय में बताती हूँ, और आजीविका सखी नहीं है तो आजीविका सखी के बारे में बताती हूँ। अधिकतर हम लोग बीमा के बारे में फोकस करती हैं और बचत के ही बारे में। 1, 2, 3 अब आइए नीचे, तुरंत 4 पे। अच्छा, अभी कौन सीखा इस पे आई तो चली गई नीचे। हाँ, खाते में कोई लेन देन नहीं है। दोनों पीछे जाओ। तो उससे क्या, दोनों पीछे जाओ, फिर क्या हुआ? तो सर बैंक बंद हो गया, खाते में कोई खाते में इन्होंने कोई लेन देन नहीं किया, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तुरंत नीचे चले जाए, खाता खोलने का इनको कोई फायदा नहीं है। यही वो महिला है जिसने यहाँ पे बैंक में खाता खोला था और आर्थिक विकास का दरवाजा अपने लिए खोला था। इन्होंने खोला था ना। इस सांप सीढ़ी के खेल में वित्तीय समझ ग्रामीण महिलाओं की बढ़ रही है। बढ़ते जीवन के साथ बढ़ती जिम्मेवारी को ध्यान में रख ये महिलाएं अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दे रही हैं। मैं अपने दीदियों लोग के बीच में अपने दीदी लोग को
बचत और आय व्यय के बारे में बताती हूँ और उनको ये भी बताती हूँ कि हम आय किस प्रकार से लें और उसको कैसे चुकता करें। अगर हम सही प्रकार से पैसा लेके सही समय से उसको चुकाते हैं तो उसको हमको दोबारा भी लोन लेने का लोन लेते हैं तो उसको दोबारा हमको मिल जाता है। बैंक सखी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह एवं उनके फेडरेशनों के खाता खोलने, बैंक लिंकेज को बढ़ाने तथा बैंक में आने वाली समस्याओं एवं परेशानियों में समूह के लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने का कार्य किया जा रहा है। इससे गरीब ग्रामीण महिलाओं को बैंक के कार्यों में काफी सहूलियत मिल जाती है। हमें मानदेय 3200 रुपए प्रति माह मिलता है और हम सप्ताह में 4 दिन बैंक में रहते हैं, 2 दिन फील्ड में जाते हैं, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को, जैसे समूह से एकत्रित महिलाओं को हम विजिट करते हैं तो बीमा और CCL के बारे में बताते हैं और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, महामारी हैं, साफ सफाई स्वच्छता के बारे में बताते हैं। BC सखी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, 1GP 1BC यानी एक ग्राम पंचायत में एक BC सखी कार्यक्रम के अंतर्गत बीमा सखी के रूप में चिन्हित महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंक के माध्यम से डोर स्टेप बैंकिंग को गांव-गांव में पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। BC सखी के कार्य करने से अब ग्रामीण गरीब मजदूर, वृद्ध, बच्चे व किसानों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वहीं गाँव में सभी सरकारी योजनाओं का वित्तीय लाभ भी मिल जाएगा। बैंकिंग सखी की शुरुआत वित्तीय समावेशन के संदर्भ में एक बड़ा कदम है। इस काम को करते हुए मैं बुजुर्ग महिला, बच्चे जो भी आते हैं, मैं उनका जो है मदद इसके थ्रू मदद करती हूँ। गांव-गांव में जाके भी महिलाओं को, बुजुर्ग बुढ़ापों का मैं मदद करती हूँ। इसके लिए 75,000 फंड में मिला था जो सरकार ने हमें दिया था, तो मैंने जो है उसमें सरकार ने बताया कि आप लोगों को जो है 44,000 FD करना है, उसमें जो है 31,000 का मशीन आप लोगों को मिला, तो हम लोगों को ये मशीन मिला है, उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चलाए जा रहे वित्तीय समावेशन के कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ी है, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन तेजी से हुआ है, जिससे उनके परिवार का संपूर्ण विकास हो रहा है। जो भी महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे हैं, अपना कोई भी आजीविका मिशन से जुड़ी हैं और छोटी से छोटी जरूरत नहीं पूरी कर पा रही हैं, किसी के घर पे बनी मजूरी कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो हम लोग उनको जाकर समझाते हैं, उनको आजीविका से ऊपर उठने के लिए उन्हें बताते हैं कि दीदी आप अगर से 10 रुपया 20 रुपया बचत जमा करेंगी तो आपका बचत भी रहेगा, उसके तहत आपको कोई भी बड़ा से बड़ा लोन मिल सकता है, तो आप कोई भी आजीविका बढ़ा सकती हैं और उसमें कार्य कर सकती हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के कार्य करने से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की पहुंच बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। वे अब घर की दहलीज से बाहर आ रही हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। निस्संदेह ये मिशन के प्रभाव से ही संभव हो पाया है।